नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए एक इमरजिन रेमेडी लेके आया हूँ जो आपका चेहरा का डार्कनेस हटा के गोरा और सुंदर बना देगा। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे कि आपका चेहरा में अगर पिंपल आ गया, पिंपल हटाना चाहते हैं, फिर धूप का वजह से कालापन आ गया, फिर सफेद दाग आ गया, किसी भी तरह आपका मुंह में कोई भी स्पॉट आ गया है, तो आप बहुत ही आसानी से वो स्पॉट को हटा पाओगे, पहले से कई गुना अच्छा गोरा और सफेद बन जाओगे। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने का पहले आपके पास एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। तो फ्रेंड, ये रेमेडी को बनाने के लिए आपको जो जो चीज का जरूरत है पहले तो आपको सामने लेके आते, एक पात्र लेके आना, फिर जिससे जो जो चीज आपको लगेगा, एक नींबू का जरूरत पड़ेगा, एक टमाटर को, फिर आपका पास कोई भी पेस्ट है, पेस्ट का जरूरत पड़ेगा, फिर थोड़ा बेसन का जरूरत पड़ेगा और एक चम्मच ले लेना। इससे आपको रेमेडी कैसे बनाते हैं, कैसे इसको यूज करते वो भी पूरा के पूरा आपको बताऊंगा। तो पहले जो चीज मैं दे रहा हूँ फ्रेंड, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। फ्रेंड, टोमेटो जो है इसके इसमें विटामिन सी मौजूद रहते हैं, बहुत परिमाण में विटामिन सी मौजूद रहते हैं जो हमारा जो चेहरा है उसको क्लीन करने का मदद करते हैं और साथ साथ फ्रेंड गोरा बनाने का काम भी करते हैं। और नींबू के बारे में तो आपको सबको ही पता है, इसमें विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट पाया जाते जो उसका अंदर का जितना भी कमी है आपका कोष में या अंदर का स्किन में वो पहले क्लीन करते, क्लीन करने के बाद जितना भी कमी है वो भरपाई करते। और फ्रेंड, पेस्ट जो लिया है ये सबसे ज्यादा क्लीन करने के लिए होते, जो स्पॉट आपका मुंह में गिर गया है वो बहुत अच्छा करके क्लीन करते। और फ्रेंड, मैं जो बेसन लिया हूँ फ्रेंड, ये बेसन आपको क्या काम करेगा, आपका स्किन में जितना भी आपका स्किन को गोरा दिखने का एंड उसका मुलायम करने का काम करेगा। तो फ्रेंड, ये कैसे इस्तेमाल करते, कैसे बनाते जो नुस्खा है, रेमेडी कैसे बनाया जाता है वो आपको बताते। तो फ्रेंड, आपको जितना भी हिसाब बताया जाए सिर्फ वो हिसाब से काम करना। एक आधा नींबू ले लेना और पूरा निचोड़ देना इसको। फिर फ्रेंड, टोमेटो जो है उसका अंदर जितना भी कुछ रहेगा पूरा के पूरा इसके अंदर डाल देना, आप देख सकते हैं मैं पूरा के पूरा निकाल निकाल के इससे अंदर से दे रहा हूं। तो फ्रेंड, बाचेला जितना भी आपको टोमेटो का रहेगा ये खराब नहीं करना, ये रख देना, ये यूज करने का टाइम पे लगेगा, जैसे अप्लाई करना पड़ेगा तब। और थोड़ा बहुत पेस्ट इसके अंदर डाल देना, ये सबसे ज्यादा मत डालना। और आप फ्रेंड इधर से एक चम्मच बेसन ले लेना, लेके इसको अभी बनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा मिक्स करने में, अच्छा करके मिक्स कर लेना पहले। तो फ्रेंड, अच्छा करके इसको मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद फ्रेंड दो तीन मिनट तक इसको रख देना, क्योंकि दो तीन मिनट तक रख दोगे तो पूरा के पूरा ये बांध के तैयार हो जाएगा। अभी फ्रेंड इसका अप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग है, जैसे हम जैसे हाथ में लगा लेके लगा लेते ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको जो टोमेटो का जो खोसा बचेला था उसके अंदर इसको डाल देना, अच्छा कर दबा दबा के भर देना। भरने के बाद फ्रेंड मैं मेरा हाथ में अप्लाई करके बता रहा हूँ, मैं हाथ में जैसे अप्लाई करूंगा बिल्कुल आपका मुंह में ऐसे ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपली नीचे से ऊपर तक ऐसे अप्लाई करना आराम से। तो फ्रेंड ये जो टोमेटो का अंदर इसलिए डाला जाते क्योंकि टोमेटो का जितना भी मीट जैसे वो भी मुंह में लगना चाहिए, तो स्किन का जितना भी कमी है वो हटा देगा, क्लीन तो हो ही जाएगा इसके साथ, लेकिन अंदर जो भरपाई जो कमी रह गया उसका भी भरपाई करना चाहिए, इसलिए टोमेटो का अंदर डाल के फिर
आपको अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड मैं जैसे अप्लाई कर रहा हूँ, कम से कम 4 से 5 मिनट तक आप ऐसे अप्लाई करते रहना घिस घिस के आराम से। इसके अंदर अगर खत्म हो जाए तो उधर से फिर भर लेना। 4-5 मिनट तक ऐसे घिस घिस के अप्लाई करते रहना। फिर फ्रेंड 5 मिनट बाद में आपको जब अप्लाई करना हो जाएगा तो इसको 10 से 15 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना। अभी साथ साथ नहीं धो लेना, जब सूखेगा तभी जाके इसका जो मिर्जा से फ्रेंड अंदर तक जाएगा और क्लीन भी बराबर हो पाएगा। तो 5 मिनट बाद में फ्रेंड 10-15 मिनट बाद में जाके फिर धो लेना। मैं धो के भी अब मेरा दोनों हाथ का डिफरेंस आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरा दोनों हाथ का डिफरेंस आप देख सकते हैं। 10-15 मिनट बाद में जाके धो के आया हो तो अभी ये डिफरेंस आपका सामने है। तो फ्रेंड इस तरह आप भी बहुत ही आसानी से ये रेमेडी बना पाओगे और आपको जितना भी प्रॉब्लम है स्किन का पूरा का पूरा हट जाएगा। और ये जो रेमेडी है फ्रेंड, हफ्ता में 2 से 3 बार अप्लाई करना। तो कोई भी स्पॉट, कोई भी फिर काला हुआ दाग, फिर धूप का वजह से गिरने वाला जितना भी स्पॉट है वो आपका चेहरा का पास में भी नहीं आ पाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।